स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सर मैं तो एक बार पहले देख चुका हूँ, आज मेरी धर्म पत्नी वो बहुत मुझे फोर्स कर रही थी कि उसको इंट्यूशन है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, तो बड़ी बड़ी फिल्में नहीं देखने जाती है वो, बढ़िया हमने सुना, अभी कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन नए फिल्म मैं अपनी वाइफ को दिखाने के लिए और उसको बहुत अच्छी लगी है। पारिवारिक फिल्म है, इमोशंस हैं, कॉमेडी है, तो मैं अगर आप बोलेंगे ना तो दो मरतबा और भी दिखा। अरे वाह क्या बात है, मनीष जी आइए साथ में। मनोज भाई क्या कहना चाहेंगे? शक्ति जी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं और काफ़ी जो सब्जेक्ट वो काफ़ी बेहतरीन चुनाव में उसके बारे में सब्जेक्ट हमारे प्रोफेसर साहब मनीष जी का है। पहली बार में जो सब्जेक्ट सुना था तो मुझे उसमें कुछ चैलेंज लग गया था, ये टॉपिक इतना है, विषय छोटा लेकिन इसको 2 घंटे तक इंटरटेनमेंट के साथ बनाना चैलेंजिंग लगा मुझे, और उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया कि सारे अपने चुनिंदा कलाकार जो मनपसंद कलाकार भी हैं सबको चुनने का, और मज़ा आया बनाते वक्त। अब चाहते बड़ी अच्छी बात क्या है कि जब मैंने ये फिल्म की तो मुझे बाद में मनोज जी ने बताया कि तुम्हारा रोल इतना था नहीं, बहुत छोटा रोल था, लेकिन जो तुम्हारी एक इंस्पिरेशन और एक लगाव और तुम्हारी लाइकिंग फॉर दिस रोल थी, तो मैं हर रात अपने कमरे में जाता था तो तुम्हारी 3 लाइनें एक्स्ट्रा लिखते थे। तो कहते हैं ना कि जब अगर आर्टिस्ट दिल से काम करता है और डायरेक्टर को भी समझ में आ जाता है कि ये इन्वॉल्व है और ये कुछ टाइम पास नहीं कर रहा है, इसके पास टाइम है पिक्चर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए, टाइम नहीं है, टाइम है, जब टाइम है उसका रोल अच्छा। तो ये भी जानना चाहूँगा कि कॉमेडी के साथ जो सब्जेक्ट को हाईलाइट किया, इस तरह की कॉमेडी बनना कितनी जरूरी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि सेंसलेस कॉमेडीज काफ़ी बन रही हैं, उसके बारे में बताइए। इसके अंदर बहुत भारी मैसेज है कि आज की जनरेशन ये भूल चुकी है कि संस्कृति क्या होती है। ये संस्कृति क्या होता है कि हार्ड एंड फास्ट रूल, एक हम रिस्पेक्टेबिलिटी देते हैं फैमिली को, और बहुत बड़ी बात है कि जिस शख्स ने 70 साल आपके परिवार को बनाने में लगा दी है, क्या आप उसको उसके डेथ के बाद उसकी आत्मा को शांति के लिए, उसके इज्जत के लिए, उसके प्यार के लिए आप थोड़ा टाइम नहीं दे सकते? ये चीज़ें बड़ी दिल को छूती हैं, और मेरे ख्याल से फिल्म के बाद आज की जनरेशन काफ़ी कुछ इस फिल्म के ज़रिए बहुत सीखेगा। सर और कौन से प्रोडक्शन नज़र आने वाले हैं आज फिलहाल में जो सर? बस अभी ये लाइन ही लाइन लगेगी सर, आप देखते रहिए उसके बाद क्या होने वाला है। सर आप क्या इन 2-3 फिल्में तो इन्हीं की थी, कोशिश की है, और क्या कि हर लोग अकेले अकेले फिल्म देखते हैं, हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है कि आपको परिवार के साथ देखनी पड़ेगी, और परिवार के लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है। हम भी आप भी चाहते होंगे कि भाई मैं अपने मम्मी पापा के साथ पिक्चर देखूं, दादा दादी के साथ पिक्चर देखूं, लेकिन पिक्चर ऐसी बनती नहीं है कि लोग लेके जावे। आज आप ये पिक्चर देखिए, आपको भी एहसास होगा कि मैं अपने दादा को लेके जाऊं, अपनी मम्मी को लेके जाऊं, पापा को लेके जाऊं, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं खूबसूरत फिल्म देख रहा हूँ और पारिवारिक फिल्म देख रहा हूँ। पहले फिल्में आती थी जिसमें परिवार साथ में जाते थे, आजकल नहीं जाते, तो हमने एक यही कोशिश की है कि परिवार के साथ फिल्म देखें, और फिल्में बहुत खूबसूरत बनी है। बाकी तो आप लोग मीडिया का साथ देंगे तो हम फिल्म को और अच्छे से और पूरे इंडिया में और बड़ी रिलीज करेंगे। और इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और है, उसके बारे में जानना चाहूँगा, वो प्रोजेक्ट के बारे में वो कब तक आने को? फैमिली को कोई बनाई हुई है, हर फैमिली में कोई ना कोई तकलीफ होती है, हर बच्चों को थोड़ा ये सीखना पड़ेगा कि अपने पुराने सीखने के काम में से पिक्चर में पूरी कॉमेडी है वो पाने वाले हैं। इस मूवी में हर आदमी जो पीछे देखने वाला है वो कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ महसूस करेगा कि मैं किस किरदार में कहीं ना कहीं इधर खड़ा हूँ, इसी पिक्चर का ही आज। सर पिक्चर में अभिनय रोल तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके सपना हमने यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छी कॉमेडी इसके अंदर रखी है, जो आज के जनरेशन को ज़्यादा पसंद आएगी। खाली संस्कारों के पीछे नहीं, कॉमेडी बना भी अपन काम करेंगे। शक्ति कपूर सबका काम बहुत अच्छा लगे, रजनीश दुग्गल है ना, पास है सबसे, और एक अच्छा सबसे अच्छा काम किसका लगा आपको? सभी का काम अच्छा है, कृष्णा अभिषेक ऑफकोर्स हंसाते हैं, कृष्णा अभिषेक कपूर। राजपाल का काम कैसा लगा? राजपाल यादव हाँ, वो तो हमेशा हंसाते हैं, कुछ सीन पाए हैं लेकिन उन्होंने
कैसा लगा आपको पिक्चर? बहुत अच्छी लगी, संसारिक फिल्म है और इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए, एक नया मैसेज है लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है, सबका अच्छा रोल लगा, सत्य कपूर का एक अच्छा रोल था, राजपाल यादव ने बहुत अच्छी कॉमेडी की है, और फिल्म के जो डायरेक्टर मनोज शर्मा जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, और मैं तो कहता हूँ कि इसको पूरे परिवार के साथ जरूर देखना चाहिए। पिक्चर बहुत सुपर दुपर हिट होने वाली है। पिक्चर देख के ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूँ, पिक्चर आनंद ले रहा हूँ। इसमें सबसे अच्छा काम किसका लगा? फुल कॉमेडी, गाने में एंजॉय, सब चीज़ में मस्ती, हंगामा, सुपर दुपर हिट। सबसे अच्छा काम किसका लगा आपको? सबसे अच्छा काम राजपाल यादव, सत्य कपूर जी, कृष्णा, रजनी दुग्गल जी का, जिसका काम सबका ही, जिसका काम अच्छा बोले उससे अच्छा से अच्छा लगता है। गोविंद नामदेव जी कैसे लगे? गोविंद नामदेव सुपर, उनका मैं नाम बोलने बोले, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, इमोशनली और एक प्यार भरा मैसेज दिया। पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? पब्लिक मैसेज मैं चाहता हूँ आप सबको देते हैं, आपकी दादा दादी साथ, फैमिली साथ, वो बहुत अच्छा लगे, और पहली फिल्म आई ऐसी जो अपने फैमिली साथ देख सकते हैं। हाँ सर, आज हमारे सामने है बॉलीवुड के टॉप डिजिटल चैनल बॉलीवुड अड्डा, सुनिए उनकी जवानी फिल्म की रिव्यू। लाइव में टाइम नहीं है किसी को, बहुत अच्छी फिल्म लगी है। इसमें शक्ति जी का जो रोल था बहुत प्यारा था, और इसमें जो अपना ये राजपाल यादव जी का रोल बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पारिवारिक फिल्म लगी है, बहुत ही अच्छी लगी है देखने। मैं तो ये कहता हूँ सब लोगों को देखनी चाहिए इस फिल्म को, और मैं इसमें 5 में से 5 ही स्टार देना चाहता हूँ, बहुत प्यारी लगी, आप सबको आना चाहिए। हाँ सर, आपको पिक्चर कैसी लगी? ऑसम, बहुत बढ़िया। लाइफ में टाइम नहीं है किसी को, क्यों नहीं टाइम टाइम इसलिए नहीं है। आपने पिक्चर देखा ना, फैमिली पिक्चर है, राजपाल यादव और अपने कृष्णा और शक्ति कपूर जी, एक फैमिली ड्रामा, उन्होंने कैसा ट्रीट किया। सबसे अच्छा काम किसका लगा? सबसे बढ़िया काम मुझे लगा कृष्णा, अपने डैडी को कैसे हैंडल कर रहे हैं, और एक बॉडी के साथ कैसा घुमा सकते हैं पंडित जी अपनी बॉडी को, देखे और कहाँ से कहाँ लेके पहुँच जाते हैं। सीधी बॉडी जाती है कृष्णा, वो अपने आश्रम में जाती है संस्कार के लिए, लेकिन ये आधु माधु घुमा के लेके जाते हैं, वो क्रेडिट बहुत अच्छा। राजपाल का काम कैसा लगा? राजपाल का काम और सब अच्छा है, वो पब्लिक को इकट्ठा करता है। हमारी बहुत से बोलो सर, पिक्चर कैसी लगी? बहुत अच्छी फिल्म है, सादगी के साथ मनोरंजन किया गया है, पहली बार ऐसा लग रहा है काफ़ी दिनों के बाद, और कॉमेडी को काफ़ी अच्छे अंदाज में पेश किया गया है, एक सेंस ऐड किया है कॉमेडी में। कुछ आगे पूछो, कुछ नयापन क्या है इस पिक्चर? नयापन ये है कि आप मनोरंजन एक साफ सुथरे अंदाज में, एक सेंस के साथ, एक समझ के साथ दे सकते हैं, भावना को जोड़ सकते हैं उसके, जो काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रही थी। गोविंद नामदेव काम कैसा लगा? गोविंद नामदेव, शक्ति कपूर, कृष्णा, अभिषेक, रजनीश दुग्गल, हर कलाकार ने जस्टिस किया अपने रोल के लिए। आप कितने स्टार दोगे इसको? 3 स्टार। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.